साथियों, आज 15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री ने देश को आगे ले जाने के लिए जो भी बातें की वो बहुत ही अच्छी पहल है। लेकिन इन सभी पहलों के साथ साथ जो देश की मूलभूत समस्याएं हैं उस पर भी ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। आज बेरोजगार नौजवान काम की तलाश में पूरे देश में भटक रहे हैं। जीडीपी में गिरावट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में गिरावट, जीएसटी और नोटबंदी के प्रभाव से छोटे कारोबारी, कैश बिजनेस करने वाले कारोबारी बेरोजगार हो चुके हैं। बड़ी बड़ी पूंजीपति और पूंजीपतियों की कंपनियां छोटे कारोबारियों को धीरे धीरे लीलती जा रही हैं। ये एक चिंता का विषय है। शिक्षा में प्राइवेटाइजेशन से जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा में नहीं ले जा के सकते क्योंकि शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करोड़ों के खर्चे हो गए हैं। उद्योग और कल कारखाने बंद हैं। सरकार को इसके लिए भी पहल करने की आवश्यकता है। जब नौजवान भारत बनेगा, जब सशक्त भारत बनेगा, तभी हम विश्व में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आ पाएंगे। काशी के इन घाटों से मैं संतोष प्रताप।